6 लोग मारे गए थे। कोर्ट ने नंदा को आईपीसी की धारा 304(2) के तहत दोषी करार किया है, जिस पर सजा का फैसला कोर्ट कल सुनाएगी। इस मामले में नंदा को ज्यादा से ज्यादा केवल 10 साल की सजा हो सकती है और जाहिर है अभियोजन पक्ष कल अदालत में यही मांग करेगा। वहीं दूसरी ओर दोषी करार दिए जाने के बाद संजीव नंदा, जो कि अभी तक बेल पर बाहर थे, उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया था। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि वह कल अदालत में नंदा के लिए कम से कम सजा की मांग करेंगे। जाहिर है कई लोगों के लिए बहुत ही राहत की बात है कि आखिरकार इस मामले में कुछ तो फैसला जरूर आया है। गौरतलब है कि कई प्रकार के कानूनी और गैर कानूनी पेचों में फंसे इस मामले में कई मोड़ और उतार चढ़ाव देखे। इन्हीं उतार चढ़ाव का खामियाजा कानून के दुनिया के दो दिग्गज वकीलों को भी झेलना पड़ा। इस मामले में वरिष्ठ वकील आर के आनंद और आयुब खान को गवाहों की खरीद फरोख्त में दोषी पाया गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर कार्रवाई भी की। इस मामले में नंदा के दोस्त मानिक कपूर को बरी कर दिया गया है, जबकि राजीव गुप्ता और उनके दोनों नौकरों को इस मामले में सबूत मिटाने के लिए दोषी करार दिया गया है। इन सब की सजा का ऐलान भी कल कोर्ट करेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक पर, ब्रेक और बाकी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद हिंदी बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान पुलिस ने जयपुर विस्फोटों से जुड़े एक मामले में कोटा से 4 कथित सिमी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में मुनवर हुसैन, जिसको कि इस ग्रुप का सरगना माना जा रहा है, उसकी कोटा में एक दर्जी की दुकान है, जबकि आतिक रहमान, नदीम अख्तर वहीं के रहने वाले हैं। चौथा शख्स 12 जिले का रहने वाला है। तो ये तो थी अभी तक की कुछ खास खबरें, पर बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट headlinesindia.com पर लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।